तो दोस्तों अब से आप लोग को अगर लोन रिपेमेंट के लिए टाइम बढ़ाना है तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो चुका है। इस वीडियो में बताने वाले हैं और प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन मिल रहा है ऐप के थ्रू। तो आप लोग को ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। एक एक स्टेप हम लोग बताएं कि कैसे आप लोग को करना है और आप लोग को 1 महीना, 6 महीना या साल भर जितना भी आप लोग को टाइम चाहिए वो टाइम आप लोग को 100% मिलेगा। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहां पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और यहां पे आप लोग थोड़ा भी मिस ना करें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लोन रिगार्डिंग कंटेंट आप लोग को देखना है तो इस चैनल पर आपको 100% मिलेगा और जो आपका सॉल्यूशन होगा वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन। पहले क्या होता था, एप्लीकेशन सब जो होती थी वो एप्लीकेशन सब टाइम आप लोगों को नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? क्योंकि आप लोग उनसे ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और उनको समझ नहीं पाते, उन लोगों को समझा नहीं पाते थे अपना प्रॉब्लम कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आप लोग रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना टाइम एक्सटेंशन बढ़ा सकते हैं और आप लोग को वो टाइम एक्सटेंशन मिलेगा उस ऐप की तरफ से। तो आपको मैं स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आप लोग क्या लिखना है और क्या करना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देख सकते हैं ऐसा एप्लीकेशन आप लोग को लिखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है टू द मैनेजर ऑफ एम पॉकेट, या फिर कोई भी एप्लीकेशन है, आप एक एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वो एप्लीकेशन के बारे में उसको मैनेजर को लिखना है। तो आप लोग का जो भी एप्लीकेशन हो, एक्स वाई जेड कोई भी एप्लीकेशन हो, उस पर आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब क्या, रीजन क्या, आप लोग किस वजह से आप लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन किस लिए है, रिक्वेस्ट फॉर 6 मंथ लोन रिपेमेंट एक्सटेंशन, मतलब 6 महीना के मुझे मोहलत चाहिए लोन रिपेमेंट करने के लिए। जैसे कि अब फिर उसके बाद क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैम, सर या फिर मैम। उसके बाद लिखना, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू इन अ गुड एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू यू एज अ वैल्यूड कस्टमर ऑफ एम पॉकेट विथ रिगार्ड्स टू माई लोन आई डी नंबर, जो भी आपका लोन आई डी नंबर है वो लिख दीजिएगा। आई एम सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई यू एस्टिमेट इंस्टीट्यूशन टू मीट माई फाइनेंशियल नीड्स। इसमें आप लोग को थोड़ा मतलब पोलाइटली बात करना है, थोड़ा अच्छे से अपना स्टेटमेंट देने के लिए पहले उनको ऐसा करना है कि आप लोग की वो बात समझे। तो ऐसे पोलाइटली आप लोग को एक ईमेल लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट अ 6 मंथ एक्सटेंशन फॉर द रिपेमेंट ऑफ माई लोन विच वॉज इनिशियली ड्यू ऑन, मतलब जब से स्टार्ट हुआ उसका डेट डाल दीजिए आप लोग। उसके बाद लिखना, अनफॉर्चुनेटली आई हैव फेस अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू लॉस्ट माई जॉब एंड माई सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैज बीन लॉस्ट सिंस 1 month बिकॉज ऑफ द सेम। मतलब आप लोग को यहाँ पे अपना रीजन बताना है क्यों आप लोग ने लोन रिपेमेंट नहीं किया है और आप लोग को कितने मंथ का आप लोग को एक्सटेंशन चाहिए, और आप अपना रीजन, आपका जो जेन्यून रीजन है वो आप अपना रीजन लिखिएगा। यहाँ पे इसने जो लिखा है वो उसके लॉस जॉब मतलब जॉब छूट जाने के कारण उसका जो रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है वो अपना जेन्यून प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या लिख रहा है, I therefore request you to kindly consider my situation and accept this application for loan repayment extension for 7 months. I understand a delay in paying installment against loan attracts charges and therefore I request you to please waive off this charge and put a hold on the remainder calls, emails, notification, agent visit, etc. for the time being. मतलब यहाँ पे आप लोग request कीजिए कि आप लोग को जो टाइम चाहिए इतना महीने का, जितना भी महीना आपको चाहिए वो उन लोग अश्योर कर दें, और क्या करें कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उसको हटा दें, उसको होल्ड कर दें, उसको हटा दें। और जो हमारे कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं आप लोग की तरफ से, जो कि कॉल्स ईमेल एजेंट्स आते हैं, वो सबको रोक दें जब तक मैं अपना जो मेरा टाइम मैंने लिया उतना उतना दिन तक। उसके बाद क्या लिखना है आपको, आई अश्योर यू डेट माई सिचुएशन विल बिकम बेटर इन दिस 6 मंथ एंड आई विल पे माई रिमेनिंग लोन अमाउंट इन 1 go. थैंक यू फॉर एंटिसिपेशन फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। मतलब आप लोग को ये बताना है कि मुझे मेरा ये प्रॉब्लम आप समझिए, उसके बाद मुझे इतना महीने का मोहलत चाहिए और मैं ये अश्योर करता हूं कि आपका ये 6 महीने के अंदर मैं एक
एक ही बार में पूरा पैसा पे कर दूंगा। अगर आप लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसे उन लोग को एकदम एश्योरिटी देते हैं कि हम इतना दिन में आपको पेमेंट कर देंगे, तब वो क्या चांसेस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो लोग आप लोग को टाइम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोग को टाइम मांगना है। फिर उसके तरफ से क्या आया, एम पॉकेट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया वो देखिए, एम पॉकेट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। तो ऐसा है, डियर विनय जो भी उनका नाम था, थैंक यू फॉर राइटिंग अस, वी टोटली अंडरस्टैंड द इश्यू यू आर फेसिंग, हाउएवर अ लेट पेमेंट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑन योर प्रिंसिपल अलोंग विद अदर चार्ज, व्हेन यू वांट टू रिपे लोन काइंडली मेल अस सो वी विल प्रोवाइड यू द रिपेमेंट लिंक अगेंस्ट योर लोन नंबर फॉर द सेम, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम एम पॉकेट। तो ऐसे आप लोग को भी ऐसा 100% मतलब 99% समझिए कि आप लोग को भी ऐसा मैसेज आएगा, वो लोग मान जाएंगे और आप लोग को टाइम दे देंगे। और इसमें भी बोला गया, क्या बोला है कि आप लोग बता दीजिए, आप लोग जब रिपेमेंट करना चाहते हैं उस वक्त एक ईमेल लिख दीजिएगा, हम लोग आप लोग को एक रिपेमेंट लिंक भेज देंगे, उससे आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग को 6 महीने का जो भी इनको 6 महीने का टाइम मिल गया, और यहाँ पे एक तरह से आपको यहाँ पे लीगल प्रूफ मिल चुका है, आप लोग को जेन्युइन प्रूफ मिल चुका है कि आप लोग को एक्सटेंशन मिल चुका है। अगर आप लोग के घर रिकवरी एजेंट फिर भी आते हैं या कॉल आते हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास एक प्रूफ है कि मुझे एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंशन के लिए टाइम, लोन रिपेमेंट के लिए टाइम मिल चुका है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पे लोन रिपेमेंट एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ करना है, आप लोग को अपने दिखने में भी कुछ दिक्कत आ रही है, मेल लिखने में भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए या फिर टेलीग्राम पे आकर के बता दीजिए, हम लोग वहां पे हेल्प करने की आप लोग के कोशिश करेंगे। और आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, 10K के पास है, 10,000 सब्सक्राइबर के पास है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।